हेलो बच्चों, मैं नेहा सिंह केंद्र विद्यालय तिनसुकिया से आप सभी विद्यार्थियों का अपनी इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे और आपका परिवार स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण और उसके भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के बारे में जानने से पहले आइए इन चित्रों को ध्यान से देखें। चमकता सूरज, छह गुब्बारे, हरा पेड़, लाल डाक पेटी। डाक पेटी क्या होती है? जिसमें चिट्ठियां डाली जाती हैं। नीले बादल, नीला पानी, सफ़ेद बत्तख, भूरी बिल्ली, तीन फूल। बच्चों, इन चित्रों में सूरज, गुब्बारे, पेड़, डाक पेटी, बादल, पानी, बत्तख, बिल्ली, फूल, ये सारे शब्द तो हो गए संज्ञा। लेकिन इन सभी संज्ञा शब्दों से पहले एक शब्द आया है जो उसके गुणों के बारे में बता रहा है, जैसे कि चमकता, छह, हरा, लाल, नीले, नीला, सफ़ेद, भूरी, तीन। ये सभी शब्द उनके गुणों को दिखा रहे हैं। तो क्या आपको पता है हिंदी व्याकरण में इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा पे आइए एक नज़र डालते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को? संज्ञा और सर्वनाम की। जैसे काला घोड़ा, सुंदर लड़की, मूर्ख बंदर। तो उपरोक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं, काला, सुंदर, मूर्ख, ये तीनों शब्द क्या हैं? विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, जैसे घोड़ा, लड़की, बंदर, इन्हीं शब्दों की तो विशेषता बताई जा रही है ना बच्चों, तो इन्हें कहेंगे विशेष्य। क्या कहेंगे? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष, और जो विशेषता बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषण के कितने भेद हैं जानना चाहेंगे? विशेषण के होते हैं मुख्यतः चार भेद, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। परिमाणवाचक और संख्यावाचक के अंतर्गत भी दो और भेद होते हैं। कौन से? निश्चय परिमाणवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक। इसी प्रकार संख्यावाचक के अंदर निश्चय संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक। लेकिन बच्चों, आज की कक्षा में हम केवल चार भेदों के बारे में जानेंगे, जो हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आइए सबसे पहले हम जानें गुणवाचक विशेषण के बारे में। बच्चों, नाम से ही आपको पता चल रहा है गुण, अर्थात जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आइए इन उदाहरण से हम समझें। बगीचे में सुंदर फूल है, कैसे? सुंदर फूल। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, कैसा? स्वच्छ नगर। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी। शिखा दुबली लड़की है, कैसी लड़की है? दुबली लड़की। बच्चों, आपने देखा जैसे ही हम कैसा या कैसी कहते हैं और जो शब्द उसका उत्तर बता रहा है, ये सभी हो गए गुणवाचक विशेषण, अर्थात उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, लंबी और दुबली शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ केवल अच्छाई ही नहीं होता। बच्चों, इसे ध्यान से सुनिए, अधिकांश बच्चे इसमें गलती करते हैं। गुण का मतलब केवल अच्छाई नहीं होता है, बल्कि कोई भी विशेषता, चाहे वो अच्छाई हो, बुराई हो, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें संख्या का बोध हो, अर्थात जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कितने? 40। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, उनकी दूसरी लड़की की शादी है। तो ऊपर के वाक्यों में देखिए, 40, दोनों, दूसरी, ये सभी शब्द हो गए संख्यावाचक विशेषण।
बच्चों तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम वस्तु की नाप तौल जो होती है उसको देखते हैं, अर्थात जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात कितनी मात्रा में वो चीज़ है। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। तो यहाँ पे मात्राओं को दिखाया जा रहा है, वस्तुओं की मात्राएं कितनी हैं, 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, थोड़ा पानी देना। तो ये जो शब्द हैं ये हैं परिमाणवाचक विशेषण। चौथा विशेषण है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, अर्थात इसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाता है तो वो सर्वनाम नहीं रह जाता है, वो बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखिए इन उदाहरण में, कौन बच्चा मेरे घर जाएगा, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कोई व्यक्ति सड़क पर सोया है, तो उपयुक्त वाक्यों में कौन, वह, कोई, ये सभी शब्द हैं सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को आज का ये पाठ भलीभांति समझ में आ गया होगा। अब आप पुनः इस पाठ को फिर से पढ़ें और याद करें। धन्यवाद।